केसीआर बाबू, आपने तेलंगाना को नंबर वन बना दिया, मगर किस चीज में? किसानों की आत्महत्या के बारे में तेलंगाना आज देश में नंबर वन बन चुका है मित्रों, नंबर वन। देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस, ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए। इन दिनों तेलंगाना में चुनावी मंच तैयार है, यहाँ 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में सियासी हलचल भी तेज होना लाजमी है। प्रदेश में मजबूत भारत राष्ट्र समिति BRS, उभरती हुई कांग्रेस और BJP के बीच त्रिकोणी मुकाबला है। जहाँ मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की नजर जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक पर है, वहीं BJP प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाया। इस बीच कांग्रेस वोटर्स के कुछ वर्गों में सत्ता विरोधी भावना और BRS से अल्पसंख्यक वोटों के संभावित बदलाव को भुनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति क्या है, मुख्यमंत्री पद के चेहरे कौन कौन से हैं, इस बार 2018 के मुकाबले समीकरण कितने अलग हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। इस चुनाव में BRS के सामने सरकार बचाने की चुनौती होगी, वहीं राज्य की सत्ता में काबिज होने के लिए BJP और कांग्रेस जोर आजमाइश लगा रहे हैं। BRS ने 119 संसदीय तेलंगाना विधानसभा की 115 सीटों के लिए 114 नामों की घोषणा की थी। दरअसल मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कमर रेड्डी और गजवेल दोनों विधानसभा क्षेत्रों से अपनी किस्मत अजमाएंगे, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आने वाले दिनों में तेलंगाना में नेताओं के दल बदल की संभावना ज्यादा है, खासकर उन उम्मीदवारों के बीच जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मौजूदा समय में तेलंगाना के सियासी समीकरण की बात करें तो BRS के 101, AIMIM के 7, कांग्रेस के 5, BJP के 3 और अन्य के 3 विधायक हैं। वहीं राज्य में सत्ता से दूर रही कांग्रेस ने अपनी सियासी पिच को मजबूत करने की पूरी फील्डिंग सजाई है, तो BJP के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी भी सियासी मैदान में ताल ठोक कर BJP को बढ़त दिलाने की पूरी तैयारी में लगे हैं। इन सभी सियासी समीकरणों के बीच AIMIM के चीफ ओवैसी की भी राज्य में मजबूत पकड़ सियासत को एक नए नजरिए से देखने को बड़ा आयाम दे रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि BJP ने अगर राज्य में हिंदुत्व की पिच पर मजबूत बैटिंग करने के लिहाज से फील्डिंग सजाई है तो इसका फायदा ओवैसी मजबूती से राज्य में लेने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस वक्त ओवैसी की पार्टी लगातार राज्य में अपनी सियासी जमीन को अपने ही राजनीतिक एजेंडे से मजबूत करने की कोशिश में बनी हुई है। आइए जानते हैं तेलंगाना में मुख्यमंत्री पद के चेहरे कौन कौन है। तो राज्य की राजनीति को समझने के लिए वहाँ के जाति समीकरण को भी जानना बेहद जरूरी होता है। तो यहाँ की सियासी धुरी रेड्डी और दलित आदिवासी समाजों के इर्द गिर्द घूमती है। राज्य की आबादी में दलित 15%, आदिवासी 9% और सामाजिक रूप से प्रभावशाली रेड्डी की आबादी करीब 7% है। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के चेहरे के साथ इस बार भी BRS चुनाव में जाएगी, जबकि BJP के रुख की बात करें तो इस चुनाव में सामूहिक नेतृत्व के जरिए जनता के सामने जा रही है। वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री पद की रेस में कई चेहरों की चर्चा है। इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, सांसद कैप्टन N उत्तम कुमार रेड्डी और कुमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, खम्मम जिले से 3 बार के विधायक मल्लू भट्टी और आदिवासी नेता सीता कक्का शामिल हैं। मैदान में 5 उम्मीदवारों के साथ 3 रेड्डी, दलित नेता भट्टी और आदिवासी नेता सीता कक्का कांग्रेस के लिए बहुत सारे विकल्प। सी वोटर पोल के मुताबिक इस साल तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 48 से 60 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं BRS के खाते में 43 से 55 सीटें आने की संभावना जताई गई है, जबकि BJP और अन्य को 5 से 11 सीटें मिल सकती हैं। अब समझते हैं चुनाव के बड़े मुद्दे क्या हैं। राज्य में बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे KCR सरकार के लिए मुसीबत बन सकते हैं। भर्तियों के मुद्दे पर बेरोजगार आए दिन प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करते रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में बेरोजगारों को भत्ता देने का ऐलान किया गया था, जिसको लागू नहीं करने से युवाओं में नाराजगी है। हालांकि युवाओं को लुभाने के लिए BRS ने विद्यार्थी और युवजन जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं।
मंत्री केटीआर रमाराव का दावा है कि राज्य सरकार ने 2 लाख युवाओं को नौकरी दी है। इस चुनाव में राज्य में महिलाओं, आदिवासियों और किसानों से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। वहीं विपक्षी दल जहां इन मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं, वहीं सरकार का दावा है कि उसने सभी वर्गों के लिए काम किया है। हाल ही में तेलंगाना दौरे पर आए पीएम नरेंद्र मोदी ने बीआरएस पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रजा का महत्व होना चाहिए, परिवारवादियों का नहीं। और इन्होंने तो लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है, प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस महिला वोटर्स को साधने के लिए गारंटी की बात कर रही है, लेकिन ये बात तय है कि इस साल होने वाला विधानसभा का चुनाव केसीआर के लिए बिल्कुल आसान होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तेलंगाना की सियासत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।